हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल उमर विद सुपर पावर। मैं हूँ आपकी दोस्त रजनी और लेकर आई हूँ आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो का टॉपिक तो आप टाइटल थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे। तो क्या आपको भी दूसरी बार प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? आपको भी दूसरी बार गर्भवती होने में दिक्कतें आ रही है? तो बहुत से ऐसे कपल्स होते हैं जिन्हें पहली बार प्रेगनेंसी तो इजीली रह जाती है, लेकिन एक बच्चा होने के बाद जब वो दूसरे बच्चे के लिए ट्राई करते हैं तो काफ़ी देर उन्हें लगती है, या फिर उन्हें बहुत सी दिक्कतें इसमें आती है, जिसे कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी कहते हैं। इनफर्टिलिटी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी, दूसरी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। जब अगर आपको पहली बार ही बच्चा नहीं होता है तो इसे इनफर्टिलिटी या प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है, लेकिन अगर आपको पहला बच्चा हो चुका है और आपको दूसरे बच्चे के टाइम आपको प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम्स आ रही है, दिक्कतें आ रही है, तो ऐसे में इसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के क्या कारण होते हैं, क्यों आपको दूसरी बार गर्भवती होने में प्रॉब्लम्स आ रही है, और इसके लिए आपको डॉक्टर के पास कब जाना है, और डॉक्टर आपकी किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, और इसके सक्सेस रेट क्या होते हैं। उसके बाद अगर डॉक्टर को भी आप में कोई भी चीज़ रॉन्ग या गलत होते हुए नहीं नज़र आ रही है, मतलब आपका जो प्रॉब्लम है डॉक्टर के पकड़ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशनल होने वाला है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर छोड़ के जाना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने होता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल भी साबित हो सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होती है। तो अगर आपको पहला बच्चा है या फिर आपका पहले मिसकरेज हो चुका है, ऐसे में आपको दूसरी बार गर्भधारण करने में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो ज़्यादातर महिलाएं यह मानती है कि उन्हें पहली बार प्रेगनेंसी रखने में कोई भी दिक्कत नहीं आई थी, तो उन्हें दूसरी बार भी प्रेगनेंसी रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दुर्भाग्यवश कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है और उन्हें दूसरी बार गर्भवती होने में बहुत सारी समस्याएं आती है, वो ईजिली प्रेगनेंट नहीं रह पाती है। तो ऐसे में कई बार महिलाएं यह भी मान बैठती है कि अब वो दूसरी बार बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रही है, अब वो बच्चा पैदा कर ही नहीं पाएगी। लेकिन आप निश्चिंत रहें, आप ऐसे अकेली नहीं है जो कि इस समस्या से जूझ रही है, बल्कि पूरी दुनिया भर में 15-30% कपल्स ऐसे हैं जो कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। तो इसके लिए आपको डॉक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, डॉक्टर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आपको डॉक्टर के पास कब जाना है, ये होगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो आपको डॉक्टर के पास कब जाना है, तो आपका पहला बच्चा है और आप दो बच्चों के बीच स्पेसिफिक अंतर रखना चाहती है, तो ये सवाल आपको खुद को पूछना है कि आपको कितना अंतर अपने बच्चों के बीच रखना है। और उसके बाद अगर आप तय करती है सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए, तो उसके बाद अगर आप नॉर्मली एक साल तक रेगुलरली रिलेशंस में है लेकिन फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आपको रेगुलरली एक साल तक ट्राई करने के बाद आपको डॉक्टर के पास जाना है। और उसके बाद अगर आपकी उम्र 35 साल से अधिक है, तो ऐसे में आपको 1.5 साल तक वेट करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे अंडों की क्वालिटी और क्वांटिटी में भी गिरावट आती है, उसके बाद हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कमज़ोरी आती है, तो ऐसे में हो सकता है आपको टाइम लग सकता है, लेकिन 1.5 साल से अधिक आपको वेट नहीं करना चाहिए। और तीसरा सवाल आता है, डॉक्टर्स आपकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो अधिकांश जो स्त्री विशेषज्ञ या फिर प्रसूति विशेषज्ञ होते हैं वो प्रजनन संबंधित समस्याओं से निपटने का अनुभव रखते हैं, लेकिन अगर आप विशिष्ट तरह से अपनी देखभाल करना चाहती है तो आपको इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना होगा, जो कि आपकी प्राइमरी टेस्ट करेंगे, आप ठीक से अंडों का उत्पादन कर रही है या नहीं, आपके पति ठीक से शुक्राणुओं का उत्पादन कर रहे हैं या नहीं। और अब हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि आपको दूसरी बार गर्भवती होने में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, क्या कुछ कारण हैं आपके सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के पीछे। तो इसमें सबसे पहला कारण हम देखेंगे आपकी स्पर्म की गुणवत्ता में बदलाव होना, स्पर्म क्वालिटी में चेंजेस होना। तो स्पर्म क्वालिटी आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो धूम्रपान, स्क्रोप्टम में कोई चोट लग जाना, स्क्रोप्टम के पास कोई गर्म चीज़ें रखने की वजह से स्क्रोप्टम का तापमान बढ़ जाना, या फिर पुरुषों की बढ़ती उम्र के कारण, या फिर कोई दवाइयों के सेवन के कारण स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी और मोटिलिटी, ये तीनों चीज़ें प्रभावित होती है। तो ऐसे में अगर पुरुषों की स्पर्म की क्वालिटी स्वस्थ नहीं रही, अच्छी नहीं रही, तो ऐसे में महिला को गर्भवती होने में प्रॉब्लम्स आ सकती है। और आपको दूसरी बार माँ बनने में दिक्कतें आ रही,
रही है। इसका दूसरा कारण हो सकता है आपकी बढ़ती उम्र। तो महिला की बढ़ती उम्र के साथ साथ महिलाएं जो अंडे उत्पन्न करती है उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी घटती जाती है, जैसे कि मैं अपने हर वीडियोस में आपको बताती रहती हूँ। आपके एक एज के बाद आपकी एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी घटती जाती है, ऐसे में आपके एग्स फर्टिलाइज नहीं कर पाते और आप गर्भधारण नहीं कर पाती। एक एज के बाद तो आपके अंडे भी उत्पन्न होना बंद हो जाता है, जैसे कि मेनोपॉज कहा जाता है। तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के कारणों में तीसरा कारण आता है आपके लाइफस्टाइल में हुआ चेंजेस, जीवन शैली में हुआ बदलाव। तो महिला हो या पुरुष, अगर आपके लाइफस्टाइल में इस तरह का चेंजेस होता है जो कि आपके स्पर्म क्वालिटी को प्रभावित करता है, आपके एग्स की क्वालिटी को प्रभावित करता है, तो ऐसे में इनफर्टिलिटी की समस्या आना आम होता है। तो चेंजेस किस तरह के होते हैं, तो आपके वज़न में अचानक से बहुत ज़्यादा वज़न का बढ़ना, धूम्रपान की आदत लग जाना, या फिर समय से नहीं सोना, समय से नहीं जगना, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आदत आपकी हो जाना, आपको ऐसी आदत पड़ जाना, तो ऐसे में आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, ऐसे में आपको इनफर्टिलिटी की समस्या आ सकती है। तो आपको दूसरी बार माँ बनने में परेशानी आ रही है, इसका एक कारण हो सकता है आपके प्रजनन अंगों में कोई खराबी, आपके डैमेज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जब आप पहली बार माँ बन चुकी है तो ऐसे में बहुत बार ऐसे होता है कि महिला के प्रजनन अंगों में कोई खराबी आ जाती है, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉक हो जाना, या फिर अंडाशय का खराब हो जाना, या फिर गर्भाशय का खराब हो जाना, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ऐसे में कई बार आपको दूसरी बार प्रेगनेंसी रख पाने में समस्या आती है, या फिर आप रख ही नहीं पाती, ऐसा तक होता है। और उसके बाद आपकी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के कारणों में आ सकते हैं आपके फाइब्रॉइड के कारण आपके प्रेगनेंसी में रुकावट होना। पिछली बार आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण आपके फेलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम्स हो जाना, या फिर एंडोमेट्रोसिस के कारण आपके फेलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम्स हो जाना, या फिर आपको PCOS PCOD का कोई प्रॉब्लम होना। तो इस तरह के कारण हो सकते हैं आपको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के पीछे। और उसके बाद आता है एक छोटा सा सवाल कि अगर डॉक्टर आपके सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का कारण जानने के बाद आप पर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो आपका सक्सेस रेट क्या होगा। तो ये आपकी समस्या पे डिपेंड करता है कि आपकी समस्या कितनी ज़्यादा गहरी है, किस तरह की आपकी समस्या है, उस पर सक्सेस रेट डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इसके ट्रीटमेंट में IVF ट्रीटमेंट चुनती है तो उन महिलाओं की तुलना में जो कि पहली बार माँ बनने वाली है, वो भी IVF तकनीक की मदद से, तो उनकी तुलना में आपका सक्सेस रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि आप दूसरी बार माँ बनने वाली होती है। सो आई होप आपको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिले हो। अगर नहीं मिले हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर हम रिप्लाई करेंगे, या फिर पॉइंट अगर बहुत ज़्यादा डीप हो तो हम उस पर अपडेटेड वीडियो भी लाएंगे। सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी इंफॉर्मेशनल इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।